नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप और ईमेल किया कि हेल्थ इश्यूज़ लगातार चल रहे हैं, घर पे हेल्थ इश्यूज से परेशान है, मेडिकल एक्सपेंसेस आर गोइंग हाई, सो व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर दिस। और आज हम न्यूमरोलॉजी से जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर से जो ये हेल्थ इश्यूज़ के योग बनाते हैं और इसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम डिटेल में। इट्स राइटली सेड दैट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट यू हैव लॉस्ट समथिंग। यू कैन रिगेन द वेल्थ बाय योर अर्निंग्स, बाय योर स्किल सेट्स, बाय हार्ड वर्क, बट अगर हेल्थ लॉस हो जाता है तो इट्स अ मेजर लॉस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिगेन द हेल्थ बैक। सो मोर एम्फोसिस शुड बी गिवन टू हेल्थ। इफ हेल्थ इज देयर एवरीथिंग इज देयर। हेल्दी रहोगे तब तो लाइफ में आप कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या योग होते हैं अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, और हमें क्या करना चाहिए, कि क्या रेमेडीज करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो लेट्स कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 29/7/1978। सो इसमें अगर आप देखोगे डेट, एट द डेट दैट इज 2+9, सो इट कम्स टू 11, प्लस उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है, दैट मीन्स 1+1 इज 2, सो योर ड्राइवर नंबर इज 2। और अब डेट, मंथ, ईयर सबको अगर सम अप करते हैं तो जो एक फाइनल नंबर आता है उसे भी आप सिंगल डिजिट पे लेके आइए, सो इन दिस केस इट कम्स टू 7, सो द ड्राइवर इज 2 एंड द कंडक्टर इज 7। सो इस डेट ऑफ बर्थ में पूरा डेट, मंथ, ईयर और ड्राइवर और कंडक्टर, तो पूरा आप अगर चेक करिए तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ, कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस एंटी बैठ जाते हैं या ऑपोजिट रहते हैं। दैट मींस ऐसे लोगों को यूजुअली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो अब कौन से नंबर्स होते हैं जो एंटी होते हैं या ऑपोजिट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर ड्राइवर इज 1 एंड कंडक्टर इज 8, वाइस वर्सा, इफ योर ड्राइवर इज 8 कंडक्टर इज 1, एंड इफ योर ड्राइवर इज 3 एंड कंडक्टर इज 6, और इफ योर ड्राइवर इज 6 एंड कंडक्टर इज 3, इसे जैसे हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा, सो दिस इज एंटी कॉम्बिनेशन। और योर ड्राइवर इज 2 एंड कंडक्टर इज 8, और योर ड्राइवर इज 8 एंड कंडक्टर इज 2, तो दीज आर कॉल्ड एज एंटी कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स ये दोनों नंबर अपने एक दूसरे के साथ इजिली जेल अप नहीं होते हैं, ये एंटी होते हैं। सो दिस क्रिएट्स अ पुल सिचुएशन इन लाइफ, दैट मीन्स इट गिव्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो सेम इज द केस विथ ड्राइवर 4 कंडक्टर 9, और ड्राइवर 9 कंडक्टर 4। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है डेट ऑफ बर्थ में जहाँ ड्राइवर कंडक्टर एंटी बैठ जाते हैं, तो यूजुअली ये हेल्थ इश्यूज देते हैं। नाउ वन मोर चेक पॉइंट, चेक योर ड्राइवर एंड कंडक्टर। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर एंटी है, और प्लस अगर आपके न्यूमरोस्कोप चार्ट में मल्टीपल 7s आ जाते हैं, तो देन डेफिनेटली इट गिव्स यू द हेल्थ इश्यूज। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ। बाय मल्टीपल 7 आई मीन मोर देन वंस और मोर देन ट्वाइस। बेसिकली 7 का नंबर अगर 2 से ज़्यादा बार आ जाता है आपके न्यूमरोस्कोप में तो उसे मल्टीपल 7 हम कंसिडर करते हैं। तो कहीं अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर एंटी है, लाइक हाउ आई एक्सप्लेन्ड 1, 8, लाइक 1 राजा का नंबर, सूर्य का नंबर, 8 शनिदेव का नंबर, तो ये दोनों एंटी होते हैं, सो पुल सिचुएशन, प्लस द न्यूमरोस्कोप बर्थ चार्ट हैज मल्टीपल 7s, देन डेफिनेटली द हेल्थ सेक्टर ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड। सेम इज द केस विथ ऑल अदर एंटी एंड ऑपोजिट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस प्लस मल्टीपल 7s इन द चार्ट। अब अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करोगे तो बोलोगे कि मेरा तो ड्राइवर कंडक्टर एंटी नहीं है और मल्टीपल 7s भी मेरे चार्ट में नहीं है, फिर भी हेल्थ इश्यूज है, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, लगातार बीमारी होता है, लगातार हॉस्पिटल के चक्कर कटते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सो चेक करिए। नाउ कम्स द थर्ड चेक पॉइंट, दैट मीन्स इफ योर ड्राइवर एंड कंडक्टर आर नॉट एंटी एंड प्लस यू डू नॉट हैव मल्टीपल 7s इन योर बर्थ चार्ट, कहीं आपका नेम नंबर तो एंटी नंबर पे नहीं बैठा है, दैट मीन्स योर नेम स्पेलिंग, द टोटल स्पेलिंग ऑफ योर नेम शुड ऑलवेज बी कंपैटिबल विथ योर ड्राइवर, दैट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, लाइक 1-8 कॉम्बिनेशन। सपोज योर ड्राइवर इज 1
and your name total comes to 8. So again, this is an anti-combination and this causes health issues. Similar is the case. Suppose your driver is 3 and your name total comes to 6. That means 36 ka aankda fir se ban raha hai. So again, it will create issues. So same is the case. If your name total or driver comes to 4 and your name total comes to 9. Again, 4-9 is an opposite combination. So again, pull situation in life. So definitely the health sector is affected. So sum up what all we understood till now. That means check your driver and conductor combination. If it is anti or not. Agar wo anti nahi hai, driver conductor theek hai. So then check if your numeroscope has multiple 7s in it. This is the second checkpoint. The third checkpoint is ki check whether your name is compatible with your driver. So name, I mean your first name total as well as your full name total. Dono hi aapke driver ke saath compatible hona chahiye. Name should not go anti with your driver. Again, if it goes anti, it will create health issues. So similarly, ab ye teen checkpoint to hai. Humne check kiya ki anti nahi hai, driver conductor anti nahi hai. To check kariye kahi driver conductor weak hai kya. Like the example what I gave you, 29-7-1978. इसमें अगर आप देखोगे तो ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 7 है. दिस इज कॉल्ड एज अ वीक कॉम्बिनेशन बिकॉज 2 नंबर 2 रिप्रेजेंट्स चंद्रमा एंड नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वीक होता है. सो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन इज वीक. प्लस इफ यू सी दिस डेट ऑफ बर्थ, इट हैज मल्टीपल 7s इन द बर्थ चार्ट. सो अगर इस केस में तो हेल्थ इश्यूज होते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो दिस इज 3 चेक पॉइंट्स हमने किया. ड्राइवर कंडक्टर एंटी ना हो, ऑपोजिट ना हो. सेकेंड थिंग इज कि मल्टीपल 7s चार्ट में ना हो. एंड द थर्ड इज नेम शुड बी कंपैटिबल विथ योर ड्राइवर. सो ये तीनों चेक पॉइंट हमने कर लिए. ये तीनों हमारे सही है, फिर भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं. तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. देर मे बी अदर फैक्टर्स वेर यू हैव टू चेक. कहीं आपका वास्तु तो नहीं काम कर रहा है? तो आप अपने वास्तु को चेक करिए. घर के वास्तु में चेक करिए. स्पेसिफिकली 2 डायरेक्शन चेक करिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन. चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं मेजर डिफेक्ट तो नहीं है, कट तो नहीं है, स्टेयर्स, टॉयलेट या लिफ्ट तो नहीं आ गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. इफ येस, देन दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर योर हेल्थ इश्यूज. सिमिलरली द ईस्ट डायरेक्शन एज वेल. चेक करिए कि कहीं ईस्ट डायरेक्शन में मेजर रिडक्शन तो नहीं है, कट तो नहीं है, या कूड़ा कचरा तो नहीं है, या स्टेयर्स, टॉयलेट, लिफ्ट अगेन ईस्ट डायरेक्शन में भी है तो इवन दैट अफेक्ट योर हेल्थ सेक्टर. सो इस तरह से वास्तु भी रीजन होता है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा हम कंसिडर करते हैं तो इट अफेक्ट्स किड्स हेल्थ, चिल्ड्रंस हेल्थ, मेल पर्सन, मेल फैमिली मेम्बर्स हेल्थ. एंड ईस्ट डायरेक्शन अगर होता है तो अगेन फैमिली मेम्बर्स हेल्थ, किसी भी फैमिली मेम्बर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. सो मेक श्योर that you keep your north east and east direction defect free, deduction free and hamesha energize karke rakhiye taki vastu ke positive effects hum le paaye. Now suppose all these checkpoints what we have passed is driver conductor and then multiple 7s, then name is also compatible with your driver, and now we have checked vastu as well. Suppose all these checkpoints are clear but still you are having health issues, then what you have to check? You have to check your mobile number. Yes, you have to check your mobile number. In this modern days, we carry mobile everywhere, everywhere we go. And hence, mobile affects all sectors of life like health, relationship, career and money. Every dealing, all the dealings are done through mobile. So whenever a mobile rings, you have to call a specific number to reach to a specific person, right? So that means that person is attracting that particular frequency. So every time your mobile rings, that particular frequency you are attracting. So you are vibrating at that particular frequency. So it is very important that your mobile number should not have malefic combinations like 16, 61, 84, 48. All these combinations in your mobile number also contribute to your health issues. So make sure that you have only benefic numbers in your mobile, and also your mobile total should be compatible with your birth chart. This is also very important. So now to sum up, so driver conductor pehle aap dekhiye kahin anti nahi hai, proper hai. Fir aap dekhiye multiple chart 7 nahi hai charts mein.
फिर आप चेक करिए कि नेम कंपैटिबल है अपने ड्राइवर के साथ। ये चेक पॉइंट्स के बाद आप वास्तु अपना ठीक करिए। वास्तु नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा एनर्जाइज करके रखिए ताकि पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मिले। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोबाइल नंबर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह आप मोबाइल लेके जाते हो। इवन व्हेन यू ट्रैवल एवरीवेयर यू कैरी मोबाइल विथ यू, सो मेक श्योर दैट यू हैव ओनली बेनिफिक मोबाइल नंबर विच इज कंपैटिबल विथ योर बर्थ चार्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट रेमेडीज नाउ, कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा रहे हमेशा। सो चेक वेदर योर वास्तु, इफ देर इज एनी डिफेक्ट मेक इट डिफेक्ट फ्री। जो डायरेक्शंस मैंने बताए थे नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के, डिफेक्ट फ्री करिए। वास्तु रेमेडीज करिए इस डायरेक्शंस के, एनर्जाइज करके रखिए। देन द सेकेंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेयर अ गायत्री यंत्रा। यस, द गायत्री यंत्रा इज वेरी इफेक्टिव फॉर ओवरकमिंग हेल्थ इश्यूज। तो ये दोनों आप करोगे और प्लस गायत्री मंत्र का जाप करिए, लगातार करिए, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके हेल्थ में सुधार जरूर आएगी। आप करके देखिए और अपने हेल्थ में सुधार पाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये करने के बाद आपके हेल्थ में कितना सुधार आया और कितना टाइम लगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। एंड विश यू गुड लक एंड गुड हेल्थ। टिल देन वी मीट अगेन, गुड बाय।